कमल है, मैं पीरामल फाउंडेशन से हूँ और हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं टीबी प्रोग्राम के लिए बेसिकली। और जो टीबी के सामान्य लक्षण होते हैं वो मूलतः चार होते हैं, जिसमें पहला है कि उसको एक सप्ताह से अधिक से खांसी आ रही हो और खांसी के साथ बलगम या खून भी आ सकता है। दूसरा है कि उसको अचानक से उसके वज़न में गिरावट महसूस होने लगेगा। तीसरा है कि उसको भूख नहीं लगती है। चौथा, उसको शाम को हल्का हल्का बुखार आएगा और पसीना आने लगता है। मूलतः ये चार। अगर मैं झांटी बंद की बात करूं तो इसका नज़दीकी स्वास्थ्य जो केंद्र होगा वो हो जाएगा अलोर, जहां पर हमारे जो सरपंच हैं, पंच हैं, सचिव है, गांव के और भी मुखिया हैं, सिरहागुनिया हैं या मितानिन हैं, किसी भी के माध्यम से उस व्यक्ति को हम उस संस्था तक पहुंचा करके उनका जांच करवाते हैं। और उसके बाद जो है टीबी जो है लाइलाज नहीं है, उसका कंप्लीट इलाज संभव है। अगर कोई व्यक्ति को ये लक्षण लगता है, यदि जांच में वो पाया जाता है, तो उसको 6 महीने के लिए दवाई दी जाती है जिसमें वो पूर्णतः ठीक हो जाता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा दूसरी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें टीबी मरीज को प्रति माह 500 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है उसके खान पान को अच्छा रखने के लिए, ताकि वो मरीज़ जल्दी से रिकवरी हो जाए। हाँ, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा सभी सुविधाएं जो हैं वो निशुल्क दी जाती हैं, उनका जांच, उनकी दवाइयां और सारी चीज़ें। कितना समय लगता है इलाज में? इसके इलाज में अगर किसी व्यक्ति को प्रारंभिक अवस्था में टीबी का पता चल जाता है तो ऐसे व्यक्ति को इलाज करने में 6 महीने का समय लगता है, जिसमें कि उसको 2 फेज़ में दवाइयां दी जाती हैं, फर्स्ट और सेकेंड फेज़ करके। 2 महीने का पहला दवाई, फिर उसके बाद उसका एक जांच होता है। अगर उस जांच में उसको निगेटिव मिलता है तो फिर उसको 4 महीने का नेक्स्ट फेज़ की दवाई फिर दी जाती है, जिसमें वो कम्प्लीट ठीक हो जाता है।